गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग फिर से जुड़े हैं करियर एंड कंपटीशन इंग्लिश विद मयंक सर, और वोकैबुलरी का डेली डोज लेने का टाइम आ गया है। आपको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने वोकैबुलरी को दुरुस्त कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली मैंने शुरुआत ही उस चीज से की है जिसपे सबसे अधिक गलती होती है। मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं, फ्रेजल वर्ब्स, और इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ हम लोग अपने वोकैब के दुरुस्तीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब वी आर मेकिंग आर वोकैबुलरी पोर्शन स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। आपने वोकैब पोर्शन को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। देखिए, आपके एग्जाम में सबसे अधिक गलती जो होते हैं, सबसे अधिक गलतियां वो फ्रेजल वर्ब से ही होती हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा और तभी उसका सही मीनिंग निकल पाएगा, इसी में हम लोग सबसे अधिक गलती करते हैं और बच्चे फंसते हैं, और फिर एक एक नंबर दो दो नंबर के लिए उनका छूटता है, और फिर वो अगले साल तक फिर से वही घिसाई करते हैं अगले एग्जामिनेशन तक, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं ये छोटी छोटी गलतियां आप ना करें। आज जो हम लोग फ्रेजल वर्ब लेके आए हैं वो है होल्ड। तो होल्ड हमारा वर्ब है और इसके साथ जुड़ेगा कोई भी प्रेपोजिशन और हम बनाएंगे फ्रेजल वर्ब्स, ओके। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन या दो प्रेपोजिशंस, ये हम लोग देखेंगे और उनका क्या मीनिंग आता है ये हम लोग समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देर किए। पहला फ्रेजल वर्ब होल्ड अगेंस्ट। होल्ड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ ग्रज पालना, ठीक है ना, या उसके खिलाफ उसके लिए कम रिस्पेक्ट होना है, या किसी तरह का द्वेष पालना, इसको कहते हैं होल्ड अगेंस्ट। हैव अ ग्रज अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट ग्रज होना, या लिटिल रिस्पेक्ट या कम रिस्पेक्ट होना। बहुत लिटिल का मतलब क्या है, ना के बराबर, है ना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब आपको याद ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। तो इनसे भी हम डील करेंगे आगे की क्लासेस में। बहुत थोड़ा, ना के बराबर रिस्पेक्ट होना। वी मस्ट नॉट होल्ड अगेंस्ट हिम दैट ही हैज बीन इन प्रिजन। देखिए, हमारे पिनल सिस्टम में, यानी कि हमारे जहां आईपीसी का कोड चलता है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, तो हमारे दंड विधान में क्या है कि जो जेल का या जो प्रिजन का कॉन्सेप्ट है वो सुधार के लिए है, पनिशमेंट के लिए नहीं है, वहां पे सुधार किया जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट फिर भी मानते यही हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जाके बिगड़ जाते हैं जेल में, और कई लोग ऐसे हैं जो जाके सुधर जाते हैं, ठीक है ना। कई लोग एक छोटी सी गलती कर दिए, चले गए, किसी तरह कुछ दिनों का सजा काटे और वापिस आ गए। लेकिन हमें उनके अगेंस्ट, जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो वाकई सुधर के आए हैं और आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमें होल्ड अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई ग्रज नहीं पालना चाहिए, ठीक है ना। होल्ड अगेंस्ट, यू शुड नॉट होल्ड अगेंस्ट एनीबडी। दुनिया में आप किसी के खिलाफ भी ग्रज ना पालो, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो दिल में आपके आग है ना, वो आपको जलाएगी, उसको नहीं जलाएगी। तो यू शुड नॉट होल्ड अगेंस्ट एनीबडी, सिंपल सेंटेंस है। वी शुड नॉट होल्ड अगेंस्ट एनीबडी इन द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब है किसी प्रकार का इमोशन शो नहीं करना, किसी प्रकार का इमोशन यानी कि भावना प्रदर्शित नहीं करना, ठीक है ना। होल्ड बैक, द बॉस कुड नॉट होल्ड बैक हिज एंगर एनी लॉन्गर, ठीक है। तो स्थितियां इतनी खराब हो गई कि बॉस जो है वो अपने गुस्से को प्रदर्शित करने से रोक नहीं पाया और वो भड़क गया, फूट पड़ा, ठीक है ना। तो होल्ड बैक का मतलब है इमोशन को रोक के रखना, दिखाना नहीं, अपने भावनाओं को दबा के रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है होल्ड बैक। एक और, पहला होल्ड बैक हमने देख लिया, ठीक है, इमोशन नहीं शो करना। अगला, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिंग, ठीक है ना, किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकना, इसको कहते हैं होल्ड बैक। आप किसी को कोई साइकिल लेके जा रहा है, आपने पीछे से उसका करियर पकड़ लिया,
यू आर होल्डिंग बैक हिज साइकिल, ठीक है ना, तो वो है होल्ड बैक, ठीक है। द पुलिस वेयर अनेबल टू होल्ड बैक द क्राउड, अब ये RRR का पहला सीन ले लिया है इन्होंने, जिसमें पुलिस के सामने बहुत बड़ा बड़ी झुंड रह, बहुत बड़ा भीड़ रहता है वहां पे, भीड़ रहती है वहां, और पुलिस उसको रोक नहीं पा रही होती है, और तभी फिर कौन आ जाता है, अपना हीरो, ओके, और फिर सब कुछ आगे का सीन आपको याद है। तो आमतौर पे पुलिस जो होती है वो क्राउड को होल्ड बैक नहीं कर पाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकना, यह है होल्ड बैक। अगला होल्ड बैक, तीसरा मीनिंग है नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, भेद नहीं खोलना, ठीक है ना, और मेक इट पब्लिक, यानी कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जिसे पब्लिक ना किया जा सके, जिसे आम लोगों में ना बताया जा सके, उसे दबा के रखना, ठीक है ना। कई बार गवर्नमेंट किसी तरह का खबर, किसी तरह के खबर को होल्ड बैक कर लेती है, कभी कभी मीडिया होल्ड बैक कर लेती है, ठीक है, कभी कभी एजेंसीज होल्ड बैक कर लेती है, कभी आर्मी होल्ड बैक, मतलब अलग अलग एजेंसीज अलग अलग सिचुएशन में खबर को होल्ड बैक कर लेती है, उसको पब्लिक नहीं करती है, ठीक है ना। कई बार घरों में भी ऐसा आता है, किसी घर में झगड़ा हो गया, खूब शोर शराबा हुआ, बाद में पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ, आप बताते हैं क्या, नहीं बताते ना, अपने घर की खबर अपने तक रखते हैं, यू होल्ड बैक द इंफॉर्मेशन, ओके। तो बी, अब सेंटेंस देखते हैं, बी नेचुरल एंड ग्रेसफुल, डू नॉट होल्ड बैक बिफोर द गेस्ट्स, ठीक है। तो यहां पे कभी कभी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि भाई, पहले सिखाया जाता था बच्चों को कि भाई साहब, आप गेस्ट के सामने, जो आ रहे हैं गेस्ट, अतिथि आ रहे हैं, उनके सामने ज्यादा उछल कूद नहीं करोगे। लेकिन आजकल समय बदल गया है, आजकल हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ भाई, गेस्ट आ रहे हैं तो बी नेचुरल, ऐसा नहीं वो कुछ पूछ दे और तुम जवाब ना दे पाओ, शर्मा जाओ। कभी कभी बच्चे होते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के, वो ऐसे तो खूब बोलते हैं परिवार में, लेकिन जैसे ही खूब पोएम सुनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, और जैसे ही गेस्ट लोग पूछते हैं तो वो रेस्ट्रेन कर जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, वो खुल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि गेस्ट के सामने नेचुरल और ग्रेसफुल रहिए, किसी भी तरह से अपने आप को रोकिए नहीं, होल्ड बैक नहीं करिए, डू नॉट होल्ड बैक, ओके। नेक्स्ट, होल्ड बैक फ्रॉम का मीनिंग क्या है, नॉट अलाउ योर सेल्फ टू डू समथिंग, यानी कि खुद को रोकना कोई कुछ करने से, अपने आप, आई एम होल्डिंग बैक फ्रॉम सेइंग समथिंग है। कई बार आप होते हैं ना क्लास में, कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन फिर आप यू होल्ड बैक योर सेल्फ, ओके, यू होल्ड योर सेल्फ बैक फ्रॉम आस्किंग, ठीक है ना। कोई यहां पर यानी कि वर्ब लगा रहना चाहिए, टू डू समथिंग मतलब यहां पर वर्ब आएगा, ठीक है ना, ओके। यू हैव गॉट अ चांस आफ्टर सो मेनी ईयर्स। देखिए, कई बार बहुत सारे लोग, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस करना जानता है, सिंगिंग करना जानता है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाता है। खासकर महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो गई और शादी के बाद वो ससुराल में चली गई और बहुत सालों तक गाना नहीं गा पाई, डांस नहीं कर पाई, वो कला उसके अंदर दबी रहती है, और एक दिन अचानक कुछ सालों बाद जब बच्चे हो जाते हैं, परिवार होता है, और कोई फैमिली का फंक्शन होता है जिसमें पेरेंट्स को भी परफॉर्म करना है बच्चों के साथ, तब उस समय बोला जाता है कि आप परफॉर्म करने से खुद को होल्ड बैक नहीं करेंगे, ठीक है ना। यू हैव गॉट अ चांस आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तुम्हें बहुत सालों बाद चांस मिला है, यू शुड नॉट होल्ड बैक। देखिए, यू शुड नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक From performing, मैंने कहा था ना from के बाद verb लगेगा, from performing on the stage, तुम्हें कई सालों बाद perform करने का chance मिला है, तुम्हें खुद को नहीं रोकना चाहिए stage पर perform करने से, ठीक है ना। तो hold back from मतलब खुद को कुछ करने से रोकना, खुद को कुछ करने से रोकना, hold back from, ठीक है, याद रखेंगे, okay। Hold down का मतलब है किसी जॉब को पकड़े रहना, ठीक है ना, किसी काम को पकड़े रखना, ठीक है। देखिए, डिस्पाइट हर हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का रुकावट, चाहे वो शारीरिक रुकावट हो, चाहे मानसिक रुकावट हो, किसी भी तरह का हो, चाहे पारिवारिक रुकावट हो, ये भी एक हैंडीकैप है,
कई बार हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें आ जाती हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए हैंडीकैप बन जाता है, ठीक है ना। तो हैंडीकैप क्या होता है, किसी भी तरह का रुकावट, ठीक है। डिस्पाइट हर हैंडीकैप समृद्धि इज एबल टू होल्ड डाउन अ फुल टाइम जॉब, मतलब अपने सारे रुकावटों के बावजूद समृद्धि फुल टाइम जॉब को पकड़े हुए है, वो अपना जॉब नहीं छोड़ रही है, वो अपने फुल टाइम जॉब को पकड़े हुए है, ठीक है ना। तो होल्ड डाउन फ्रॉम, होल्ड डाउन का मतलब क्या हुआ, किसी जॉब को किसी काम को पकड़े रहना, ठीक है। आगे चलते हैं, होल्ड डाउन अगला मीनिंग, होल्ड डाउन क्या है, स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग, किसी भी चीज को हिलने से या किसी आदमी को हिलने से रोकना। कई बार पुलिस होल्ड डाउन करती है ना, पूरा पकड़ के दबा देती है नीचे, होल्ड डाउन। अभी जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, 3 लोगों ने मर्डर किया था और उसके बाद आत्मसमर्पण करने के लिए बंदूक फेंक दिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि पुलिस ने उनको होल्ड डाउन कर दिया था नीचे, एकदम जमीन पर लिटा के मूव करने से रोक दिया था, है ना। वी मस्ट होल्ड डाउन द टेंट्स, अब यहां देखिए, वी मस्ट होल्ड डाउन द टेंट्स और दे विल स्वे अवे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब हम टेंट गाड़ रहे हैं, कहीं पहाड़ी इलाके में गए हैं और वहां पे हमने टेंट गाड़ा कि रात गुजारेंगे और अचानक आंधी चलने लगी, तो आप क्या करेगा, टेंट को पकड़ लीजिए चारों कोना भाई, पकड़ लो सारे के सारे, कहीं उड़ न जाए। तो आप क्या करते हैं, होल्ड डाउन करते हैं, उसको रोक के रखते हैं ताकि वो उड़ न जाए, मूव ना कर जाए। तो होल्ड डाउन का पहला मीनिंग है जॉब को पकड़े रहना, दूसरा मीनिंग है किसी चीज को हिलने से रोकना, या किसी इंसान को या किसी चीज को, ठीक है ना। होल्ड फोर्थ, होल्ड फोर्थ मतलब व्यक्त करना, और व्यक्त करना थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर व्यक्त करना है। होल्ड फोर्थ, स्टेट योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, अपने किसी भी चीज के बारे में अपनी राय रखना, पहला चीज, स्पेशली व्हेन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बोरिंगली, मतलब बोरिंग तरीके से इतना बात कर दे, अपनी अपना ओपिनियन किसी के बारे में इतना ज्यादा दे दे कि बस वो बोरिंग हो जाए और रुके ही नहीं बंदा, बोले जा रहा है। आप देखो कभी कभी पीने के बाद कुछ लोग किसी ना किसी चीज के बारे में बोलने लग जाते हैं, अपने पिछले जीवन के बारे में। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना अपने आप को इतना तजुर्बेकार मानते हैं कि मैंने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बोलते ही चले जाएंगे इतना ज्यादा कि रुकेंगे ही नहीं, सब बोर हो जाएंगे, फिर भी वो रुकते रहिए हैं। इसको कहते हैं होल्ड फोर्थ, किसी पॉइंट को पकड़ के रखना, बोलते चले जाना, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है, आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स ही वुड होल्ड फोर्थ फॉर आवर्स ऑन गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, गवर्नमेंट के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे, षड्यंत्री या षड्यंत्र वाली कहानियों पे कि गवर्नमेंट में ऐसे षड्यंत्र हुए, वैसे षड्यंत्र होते हैं, ये ऐसा हो गया, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, अटल जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, फलाना ढमकाना, इस नेता ने वैसा किया, उस नेता ने वैसा किया, वो गवर्नमेंट के थ्योरीज के बारे में बोलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि चार पैग अंदर जा चुका है और अब वो किसी भी पॉइंट को पकड़ के रखेगा, होल्ड फोर्थ करके रखेगा। होल्ड फोर्थ मतलब किसी पॉइंट को बोलते जाना, अपने ओपिनियन को रखते चले जाना, तब तक जब तक ही लोग बोर ना हो जाए, है ना। ओके, समझ में आ गया। होल्ड फोर्थ, होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज में डिले करना या पोस्टपोन करना, आगे बढ़ा देना, किसी चीज को रोक देना, डिले कर देना या पोस्टपोन कर देना, मतलब आगे बढ़ा देना, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल होल्ड ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वेडनेसडे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है, मीटिंग करना, मीटिंग करके नए नए पॉलिसी बनाना कंपनी के लिए। तो आज जो मीटिंग होनी थी उसको होल्ड ऑफ कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, डिले कर दिया है, कब तक, अगले वेडनेसडे तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द फुटबॉल मैच हैड टू होल्ड ऑफ फॉर अबाउट हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ अ ड्राइविंग रेन, बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए मैच को आधे घंटे के लिए क्या कर दिया गया, होल्ड ऑफ कर दिया गया,
डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। होल्ड ऑफ मतलब डिले, पोस्टपोन। कोई भी चीज आप कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, तो इसका मतलब है आप होल्ड ऑफ कर देते हैं। हमारे घरों में शादियां होल्ड ऑफ हो जाती हैं, है कि नहीं, कि भैया उस घर में फलाने आदमी की फूफा जी की मौत हो गई, फूफा जी चले गए, शादी आगे बढ़ गई, है कि नहीं। तो इसी तरह से होल्ड ऑफ मेकिंग योर डिसीजन अंटिल मंडे। अब देखिए, कई बार आप डिसीजन लेने वाले होते हैं, फिर कोई कहता है यार संडे तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक फिर डिसीजन लेना, मंडे को लेना डिसीजन, ठीक है, या मंडे को रिपोर्ट आएगी उसके बाद डिसीजन लेना। तो वो कहता है कि अपना डिसीजन मेकिंग, अपना जो तुम डिसीजन लेने वाले हो, जो भी फैसला लेने वाले हो, वो रोक दो, डिले कर दो, पोस्टपोन कर दो, होल्ड ऑफ कर दो। कब तक? मंडे तक के लिए होल्ड ऑफ कर दो। ओके, तो होल्ड ऑफ मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना, राइट। अब आया होल्ड ऑफ ऑन। ऑफ भी है, ऑन भी है, और इसका भी मीनिंग है डिले ही करना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, और डिले का मतलब रोक देना कुछ समय के लिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए रोक देना। बॉसेस हैव हेल्ड ऑफ ऑन, बॉसेस हैव हेल्ड ऑफ ऑन देयर सैलरीज। बॉस, जो बॉस है कंपनी के, उन्होंने अपने सैलरी को जो 1 तारीख को आना था या 3 तारीख को या 7 तारीख को आना था, उसको उन्होंने डिले कर दिया है, रोक दिया है। क्यों? कंपनी बॉसेस आर लीडिंग बाय एग्जांपल ऑन पे रिस्ट्रेंट। वो चाहते हैं कि वो किसी तरह का क्या करें, लीड करें और एग्जांपल बने, एक उदाहरण बने, किसके लिए, पे रिस्ट्रेंट के लिए, मतलब पेमेंट लेने में एकदम हड़बड़ी ना करें लोग। इसलिए बॉसेस ने, कई बार होता है ना कंपनी में कि लोग पूछने लगते हैं 3 तारीख होते हैं, अरे सैलरी नहीं आई। तो बॉसेस ने कहा कि भाई हमारा भी सैलरी रोक दो, सबके साथ देना, ताकि लोग समझ सकें कि जब बॉस की ही नहीं सैलरी आई है तो हमारी कब आएगी। तो बॉस की आ जाने दो, फिर हमारी भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो पेमेंट रेस्ट्रेंट पे वो एक उदाहरण बनना चाहते हैं, इसीलिए बॉसेस ने अपने पेमेंट को, अपनी सैलरी को रुकवा दिया है। तो होल्ड ऑफ ऑन का मीनिंग भी होल्ड ऑन की तरह ही है, ओके। दोनों का मीनिंग एक है, वो है डिले, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीनिंग क्या है? अभी तक हमने होल्ड ऑफ देखा, होल्ड ऑफ ऑन देखा, अब देखते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है रुको, इंतजार करो, ठीक है। लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको होल्ड ऑन करने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल तुरंत दूंगा। देखिए, लव मेक्स यू होल्ड ऑन टू थिंग्स यू वुडंट हैव बीन एबल टू। कहने का मतलब है, प्यार आपसे उन सभी चीजों को करने से रुकवा देता है जो आप ऐसे नहीं करते हैं। अभी जैसे कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम का, और एग्जाम के तैयारी के बीच में उनको लवेरिया हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है किसी से, कोई भी स्टूडेंट हो, मेल हो फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद उनकी तैयारी क्या हो जाती है, होल्ड ऑन हो जाती है, रुक जाती है थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में लवेरिया का कीड़ा घूम रहा होता है। तो आप होल्ड ऑन ना करिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, और अपने मोहब्बत को थोड़ा होल्ड ऑफ कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है ना। तैयारी को होल्ड ऑन मत करिए, अपने लव को होल्ड ऑफ कर दीजिए, ठीक है, पोस्टपोन कर दीजिए, राइट। आगे चलते हैं, होल्ड ऑन, अगला एक और मीनिंग होल्ड ऑन का, मीनिंग नंबर टू, ओके। मीनिंग नंबर टू क्या कहता है, देखते हैं। टू कैरी ऑन डूइंग समथिंग, वहां पे था रोकना, होल्ड ऑन रुक, ओके। और यहां पे है टू कैरी ऑन डूइंग समथिंग, किसी काम को करते रहना, ठीक है ना। ये वाला होल्ड ऑन आम तौर पे शुरू में भी यूज होता है, जैसे बोलते हैं होल्ड ऑन, कोई बोलता है होल्ड ऑन, ओके, होल्ड ऑन, लेट हिम स्पीक, मतलब रुको, उसको बोलने दो, ये सबसे आसान है, होल्ड ऑन, रुको, उसको बोलने दो, ठीक है। तो रुकने के लिए होल्ड ऑन बोला जाता है। अब होल्ड ऑन किसी काम को करते रहने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो काम कर रहा है उसी पर वो रुका रहेगा। यहां भी रुकने का ही मतलब है, करते रहना भी तो एक तरह का रुकना ही है ना, उसी पर रुके रहना, मतलब जो कर रहा है उसी पर चलते रहना, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या बोलता है ये,
आई फील अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूं, फिर भी हाउएवर आई कैन होल्ड ऑन, मतलब फिर भी मैं इस पे टिका रहूंगा, करता रहूंगा, रुका रहूंगा, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, करूंगा अभी। आई फील अ बिट टायर्ड हाउएवर आई कैन होल्ड ऑन, मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूं, फिर भी मैं इस पे टिका रहूंगा, करता रहूंगा, ठीक है ना। ओके, तो एक तरह से मीनिंग देखें तो उल्टे हाथ से मैच करता है, थोड़ा इनडायरेक्टली मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू मतलब किसी चीज को टाइटली पकड़ के रखना, मजबूती से धर के रखना एकदम, ठीक है ना। अब वो पंखे में लटका रहे भाई, मजबूती से, ठीक है। वैसे ही एवरीबडी, देखिए अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने सपनों को होल्ड ऑन टू करना पड़ेगा, यानी कि जो सपने आप देख रहे हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं आसमान में बिना पंखों के, तो अगर आप बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सपनों को पकड़ के रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा बहुत अच्छे से, सपने आपने देखे हैं, आप में से हर किसी ने कोई सपना देखा है, तो उस सपने की सुरक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, उसको बचा के रखना दुनिया की नजर से, वो काम भी आपका ही है। दुनिया का हर आदमी आपके सपने के पीछे पड़ेगा, वो कहेगा नहीं भाई ये ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, ये है वो है, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा वैसा होता है, आपको सुनना नहीं है, आपको बस अपने सपनों को पकड़ के रखना है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ठीक है ना। जस्ट होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, डू नॉट लूज देम, दुनिया कुछ भी कहे आप पकड़े रहो, ठीक है। आइए देखते हैं, एवरीबडी कैन फ्लाई विदाउट विंग्स, हर कोई बिना सपनों का उड़ सकता है, बिना सपनों की का उड़ान संभव है। वेन दे होल्ड ऑन टू देयर ड्रीम्स, जब वो अपने सपनों को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपको बिना पंखों का उड़ान भरना है तो आपको अपने सपनों को पकड़ के रखना पड़ेगा, वही आपको उड़ा के ले जाएंगे, ठीक है ना। दुनिया कुछ भी कहते रहे आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए, सिद्धार्थ हेल्ड ऑन टू द ब्रांच टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ठीक है। अब ये भाई साहब सिद्धार्थ जो है वो पेड़ पे लटक गए, पेड़ पे चढ़े थे आम तोड़ने, अचानक पैर फिसल गया और वो पकड़ के ब्रांच को लटके रहे, होल्ड करके रखे टाइटली, होल्ड ऑन टू द ब्रांच, है ना, ताकि वो वहां से गिरे नहीं और मदद आ सके उनके लिए, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन का पास्ट टेंस, हेल्ड ऑन टू द ब्रांच टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ताकि वो नीचे ना गिरे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहां देखते हैं, होल्ड ऑन के दो मीनिंग है, होल्ड ऑन टू के, होल्ड ऑन टू का मतलब है होल्ड टाइटली, उसमें आप अपने सपनों को पकड़े रहिए या ब्रांच को पकड़े रहिए, दोनों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बचने का भी मौका मिलेगा। आगे देखते हैं, होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब है रेजिस्ट, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, रेजिस्ट कैसे करते हैं, रोकते हैं ना किसी चीज को आगे बढ़ने से, है कोई चीज आपके आपकी तरफ बढ़ रही है तो आप रेजिस्ट करते हैं, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे बदकिस्मती हो, आप हर चीज को रेजिस्ट करते हैं। कई बार नेगेटिव थॉट्स वाले लोग पॉजिटिव थॉट्स को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, आने नहीं देते अपने दिमाग में, कोई अच्छी चीज सिखाते रहो। लेकिन एक लड़का था बहुत पहले, बोलता था जिंदगी कितनी टफ है, इससे अच्छा तो मर जाना है, आसान है, मर जाने में कितना आसानी, बोले हाँ भैया मर जाना आसान है, जिंदगी जी के तो देखो एक बार, हिम्मत चाहिए उसके लिए। वो बोलता नहीं आसान है लेकिन बहुत बहुत हिम्मत चाहिए मरने के लिए भी। मैंने कहा तुम कॉन्ट्राडिक्टरी हो भाई, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग यूर सेल्फ, मौत आसान है कि मरने के लिए हिम्मत चाहिए, ये तुम डिसाइड कर लो। तो वो किसी भी तरह थॉट को अंदर आने ही नहीं देता था, हर बात का जवाब देता था, फिर तो वो रेजिस्ट करता था किसी भी पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर आने से, रेजिस्ट करता था। तो ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, रेजिस्ट, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, होल्ड आउट योर हैंड्स विद योर पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अपने पाम से हाथ को नीचे की तरफ ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके नीचे की तरफ रेजिस्ट करिए, यानी कि उसको जितना हो सकता है रोकिए,
ऐसे ताकि स्ट्रेच, ये एक्सरसाइज सिखा रहे होंगे कोई भाई साहब, वहां से सेंटेंस उठा लिया गया है, ठीक है ना। तो अपने हाथों को अपने पाम से रेजिस्ट करिए, ये दोनों तरह से भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। इसको ये हाथ आगे बढ़ाइए और इसको ऐसे रेजिस्ट कीजिए, ये हाथ ऐसे बढ़ाइए इससे रेजिस्ट करिए, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी तरह से अपने हथेलियों से, पाम से हाथों को रेजिस्ट करिए, यानी कि रोकिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज है एक तरह का। तो होल्ड आउट का मतलब है रेजिस्ट करना। ये भी लिख सकते हैं, यू शुड नॉट होल्ड आउट पॉजिटिव थॉट्स इन लाइफ। आपको जीवन में सकारात्मक विचारों को नहीं रोकना चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल है, बहुत आसान। अब आगे बढ़ते हैं। होल्ड आउट मतलब रेजिस्ट करना। होल्ड आउट का दूसरा मीनिंग है होल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, कई बार ऐसे पकड़ना सामने, है ना। आप देखते होंगे कई लोग जो बाहर प्रदर्शन करने निकलते हैं, वो तख्ते पकड़े रहते हैं, है ना, होल्ड आउट किए रहते हैं, दैट इज अपने सामने ऐसे पकड़ के रखना, होल्ड आउट। हम लोग क्लास में बोलते हैं अपने आंसर शीट को होल्ड आउट करिए, होल्ड आउट करिए मतलब अपने सामने ऐसे पकड़ के रखिए, ठीक है। होल्ड आउट यानी कि होल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक। द क्राउड वर होल्डिंग आउट प्लकार्ड्स मतलब तख्ते, है ना, प्लकार्ड्स मतलब तख्ते, ओके, द प्लकार्ड्स मतलब तख्ते, ओके, प्लकार्ड्स मतलब तख्ते। तो द क्राउड, जो क्राउड है वो क्या किए हुए थे, तख्ते पकड़े हुए थे, किस लिए, इन सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर, इन सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर के सपोर्ट में, मंत्री जी के सपोर्ट में भीड़ ने तख्ते पकड़े हुए थे, मंत्री जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, समझ गए, ठीक है। तो होल्ड इन फ्रंट ऑफ यू मतलब अपने सामने किसी चीज को ऐसे पकड़े रहना, ओके। होल्ड आउट अगेंस्ट, अब यहां पे देखिए होल्ड आउट के साथ अगेंस्ट भी लगा है, अगेंस्ट का मतलब निगेटिव है कि नहीं, नकारात्मक है, किसी तरह से रोका जा रहा है। होल्ड आउट का अपोजिट, होल्ड आउट अगेंस्ट मतलब ट्राई टू रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब किसी चीज को मना करना, ना 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 ऐसा नहीं है, रिजेक्ट करना, ठीक है। इफ यू जस्ट ट्राई टू डिफेंड एंड होल्ड आउट अगेंस्ट देम, दे विल रिएक्ट वेरी शार्पली। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आप बोलिएगा, उनकी बातों को रिजेक्ट करिएगा, तो वो बहुत तेजी से आपके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो दिन भर चिल्लाते रहेंगे, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, हमारे बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन जब दूसरा बोलने लग जाता है उसके सामने वाला, तो फिर उसके खिलाफ फिर बोलेंगे तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उसके खिलाफ फिर बोलने लग जाएंगे, उसके उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे सब, ठीक है। वो ट्राई टू रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर देते हैं, तुम बेकार आदमी, भाग यहां से, मतलब वो खुद चिल्लाएंगे, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, अपने अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार, लेकिन सामने वाला व्यक्त करने लगेगा और बोलेगा मेरा भी अधिकार है व्यक्त करने का, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो दे होल्ड आउट अगेंस्ट देम, वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, दे होल्ड आउट अगेंस्ट, ठीक है ना। यही लिखा है, इफ यू जस्ट ट्राई टू डिफेंड एंड होल्ड आउट अगेंस्ट देम, अगर आप बातों को, किसी बात को डिफेंड करिएगा, बचाइए, बचाव करिएगा अपना, और उनके खिलाफ बोलिएगा, तो दे विल रिएक्ट वेरी शार्पली, वो बहुत शार्पली रिएक्ट करेंगे, बहुत तीखे तरीके से, बहुत पुरजोर रिएक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे चारों तरफ से, ठीक है ना। वो कौन लोग हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटिक्स की क्लास नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की, इंग्लिश की क्लास है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे होल्ड आउट फॉर, अब यहां पर होल्ड आउट अगेंस्ट था, अब यहां फॉर आ गया, फॉर, ठीक है ना। अब होल्ड आउट फॉर का मतलब क्या है, किसी चीज के लिए इंतजार करना। देखिए, वेट फॉर समथिंग बेटर और रिफ्यूज समथिंग नाउ फॉर समथिंग बेटर इन द फ्यूचर, क्या मतलब है, दो चीज है। पहला, वेट फॉर समथिंग बेटर, किसी बेहतर चीज के लिए इंतजार करना,
ठीक है, किसी बेहतर चीज के इंतजार में रहना, वेट, होल्ड आउट फॉर। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा भाई सपोज आप किसान के लड़के हैं है? और आपके यहाँ बिजली बिजली ठीक ठाक आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में बारिश भी होने वाली है, तो आप अपने पंप चला के मोटर चला के खेतों को पानी नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक दो दिन में बारिश हो जाएगी तो मेरी बिजली क्यों खर्च करूं मैं। ठीक है, तो आपके दोस्त ने पूछा तू मोटर क्यों नहीं चला रहा है भाई, तो आप क्या बोलोगे, आई एम होल्डिंग आउट फॉर द रेन्स, है ना, आई एम होल्डिंग आउट फॉर ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पे बोर्ड के साथ, आई एम होल्डिंग आउट फॉर द रेन्स, मैं बारिश के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो कि पंप चलाने से बेटर है, नेचुरल पानी मिलेगा, है ना। तो खैर, और रिफ्यूज समथिंग नाउ फॉर समथिंग बेटर इन द फ्यूचर, कुछ चीज जो अभी है उसको रिफ्यूज करके कुछ अच्छा होगा आगे उसके इंतजार में हूं। जैसे कई बार होता है कि आप अपने जीवन में कुछ टारगेट बना के रखे हैं कि भाई चल मुझे ऐसा ही बनना है, ठीक, और आपका कांस्टेबल का नौकरी निकल गया, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि आई एम होल्डिंग आउट फॉर द रिजल्ट फॉर एसआई एग्जामिनेशन, है ना, एसआई रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूं, होल्ड आउट फॉर कर रहा हूं किसके लिए, एसआई के रिजल्ट के लिए, यानी कि अभी जो मिल रहा है कांस्टेबल वाले पोस्ट पे ज्वाइन ना करके मैं एसआई वाले रिजल्ट का वेट कर रहा हूं क्योंकि वो इससे बेटर होगा, तो अभी जो मिल रहा है उसको छोड़ रहा हूं और अगला आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा इसके लिए इंतजार कर रहा हूं, दैट इज होल्ड आउट फॉर। ठीक है, अभी कुछ मिल रहा हो उसको मना करके आगे कुछ बेहतर के इंतजार में। ठीक है, दिस ओल्ड मशीन विल होल्ड आउट फॉर अनदर 20 ईयर्स, ये कह रहा है कि ये जो मशीन है वो अगले 20 साल तक चलेगा। ठीक है, यानी कि अभी नया मशीन लेने की जरूरत नहीं है, ये मशीन आगे 20 साल तक और चलेगा, जब खराब होगा तब देखेंगे, अभी नया मशीन लेने से अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, होल्ड आउट फॉर के बाद होल्ड आउट ऑन, होल्ड आउट ऑन का मतलब नॉट पे समवन और गिव देम इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि किसी आदमी को किसी भी वजह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना, है ना। हमारे देश में बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, हमारे देश में बहुत लोग ईमानदार हैं और वो किसी भी प्रकार से गलत काम नहीं करते हैं। उनको कई बार बोला जाता है, अरे यार तुम ये दो लाख रुपए ले लो और मुझे ये इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस का दे दो, इस बार जो ठेका निकल रहा है उसका इंफॉर्मेशन दे देना, मैं 2 लाख दे दूंगा, लेकिन वो किसी भी हालत में वो इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करता है। उसी पे एक बना है, she never hold out on the lure of money, lure का मतलब लालच, है ना, lure का मतलब लालच, lure of money to do something they wanted, वो जो चाहते थे और उसके बदले में वो पैसा दे रहे थे, उस पैसे के बदले में शी नेवर होल्ड आउट ऑन, यानी कि उसने कभी उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी या किसी भी तरह से उसके पैसे के बदले कुछ भी पे नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन पे नहीं किया, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पास नहीं किया। ओके, समझ गए ना, यस नो, होल्ड आउट ऑन मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पास नहीं करना। ठीक है ना, आगे चलते हैं, होल्ड ओवर, अब होल्ड ओवर का मीनिंग भी डिले ही है, रुकना है, रुको, होल्ड ओवर। ओके, वी विल हैव टू होल्ड ओवर दीज फाइल्स, होल्ड ओवर का मतलब है डिले समथिंग, किसी चीज को, होल्ड ऑन में क्या था, किसी काम को, होल्ड ऑन में किसी काम को डिले करना, होल्ड ओवर में डिले किसी चीज को डिले कर देना, समथिंग, ठीक है ना, नॉट सम वर्क, यहां पे डिले समथिंग, वी विल हैव टू होल्ड ओवर दीज फाइल्स है वो समथिंग, इन चीजों को रोक के रखना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा अंटिल टुमारो, कल तक इन फाइल्स को हमको रोक के रखना पड़ेगा। तो होल्ड ऑन
होल्ड ओवर का मतलब है डिले समथिंग, होल्ड ऑन का मतलब है डिले सम वर्क, ठीक है ना। ओके आगे होल्ड टू, होल्ड टू का मतलब है टू फोर्स समवन टू कैरी आउट एन ऑब्लिगेशन। ओके किसी इंसान को कुछ करने के लिए बाध्य करना, ठीक है। होल्ड टू का मतलब किसी को किसी तरह से पटा के कुछ करने के लिए बाध्य करना। ओके ऑब्लिगेशन देना उसके ऊपर, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, किसी तरह का उसको फर्ज बताना कि नैतिक, तुम्हारा ये नैतिक फर्ज है, हाँ? या आध्यात्मिक फर्ज है, या इसी किसी तरह का भी फर्ज है, वो फोर्स करना किसी को करने के लिए, ठीक है। देखिए देखते हैं, मैं पहले दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। आई नेवर होल्ड टू डूइंग समथिंग इलीगल और इरेशनल, मैं किसी को किसी भी तरह से अनैतिक, ठीक है ना, अनैतिक या गैर कानूनी, इरेशनल, ठीक है ना, जो उसके रैशनलिज्म के खिलाफ हो, उनके उसके बुद्धि के खिलाफ हो और किसी भी तरह से लॉ के खिलाफ हो, इलीगल हो, उसको करने से मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं। आई नेवर होल्ड टू, ठीक है ना, यानी कि मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता हूं कुछ इलीगल करने के लिए या अनैतिक करने के लिए, ठीक है, इमोरल करने के लिए, इरेशनल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ही एडमिटेड, उसने माना, क्या माना, ही डिड नॉट होल्ड टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ गॉड, उसने माना कि जो गॉड का यानी कि भगवान का ट्रेडिशनल व्यू है, जिस तरह से सभी लोग सोचते हैं उस तरह से वो नहीं सोचता है, उसकी गॉड के प्रति कुछ और अवधारणा है, ठीक है ना, वही अवधारणा नहीं है जो बाकी लोगों की है, और वो इसको किसी पर फोर्स नहीं करता है। ओके ही डिड नॉट होल्ड टू, होल्ड टू का मतलब वो किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई हम इसी तरह से ट्रेडिशनल व्यू के तरह से ही पूरा करेंगे, ना वो किसी को फोर्स करता है ना खुद पे ही फोर्स होने देता है, ठीक है ना। तो होल्ड टू का मतलब है किसी को फोर्स करना किसी तरह का ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए, ठीक है ना। होल्ड टुगेदर, होल्ड टुगेदर, मजबूती से पकड़े रहना, जुड़े रहना, नॉट ब्रेकअप, अटैच्ड, अटैच्ड, अटैच्ड टाइटली, है ना, अटैच्ड टाइटली। ओके तो आजकल सबसे ज्यादा क्या बन रहा है देश में, महागठबंधन, महागठबंधन बन रहे बहुत सारे दलों के, हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है आजकल, कॉलिशन का दौर चल रहा है, पीछे भी कई साल चला है। अब देखते हैं, द कॉलिशन विल नेवर होल्ड टुगेदर फॉर 6 months, अभी कहते हैं कि ये जो कॉलिशन हो रहा है महागठबंधन 6 महीने भी नहीं टिकने वाला है। होल्ड टुगेदर मतलब नॉट ब्रेकअप, लेकिन यहां बोल रहा है नेवर होल्ड टुगेदर, नेवर होल्ड टुगेदर मतलब कभी जुड़ा नहीं रहेगा, टूटेगा ही टूटेगा। ओके ओके होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब डिले व्हेन ट्रैवलिंग, होल्ड अप का मतलब जब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रास्ते पे है, किसी कहीं भी है, किसी भी एक जर्नी पे है, तो वहां पे डिले कर जाना, रोक देना, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द पिलग्रिम्स, द पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्री हैं, वेयर हेल्ड अप, वो हेल्ड अप हो गए किसकी वजह से, डिले हो गया उनका ड्यू टू हैवी रेन्स, है ना, जा रहे थे मान लीजिए उत्तराखंड घूमने जा रहे थे और बारिश शुरू हो गई, तो क्या हो गया, होल्ड अप हो गए, डिले वेल ट्रैवलिंग, ठीक है ना। दूसरा, कंटिन्यूइंग वायलेंस कुड होल्ड अप प्रोग्रेस टूवर्ड्स रिफॉर्म्स, ठीक है, तो देश में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं नए नए और इससे जो तरक्की होने वाली है, ये कंटिन्यूइंग वायलेंस जो है, जो वायलेंस चल रहा है बहुत तरह का, है ना, वो उसको होल्ड अप कर देगा, रोक देगा, डिले कर देगा, ठीक है ना, इस जर्नी में, इस ये जो देश की तरक्की का ट्रैवल है, देश की तरक्की का जर्नी है, देश की तरक्की का यात्रा है, उसको ये हिंसा जो है वो डिले कर देगी, रोक देगी, होल्ड अप कर देगी, ठीक है ना। होल्ड अप का मतलब है डिले कर देना। और लास्ट, होल्ड विथ, होल्ड विथ, होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, लेकिन निगेटिव सेंस में यूज होता है ये, होल्ड विथ का मतलब है हमेशा निगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि नो, नॉट, डोंट, नेवर, नेवर, डोंट, ऐसे शब्दों के साथ यूज होगा, ऐसे शब्दों के साथ, ठीक है। आई डू नॉट होल्ड विथ योर
आई डू नॉट होल्ड विथ योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों के साथ मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ठीक है ना, यानी कि मैं तुम्हारे विचारों को एक्सेप्ट नहीं करता हूं. दे डोंट होल्ड विथ लेटिंग चिल्ड्रन वॉच एज मच टीवी एज दे वॉन्ट, है ना. दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट्स बच्चों को बच्चों के साथ सर न खपाना पड़े इसलिए उनको टीवी के साथ मोबाइल के साथ बिठा देते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल पेरेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ अच्छे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो वो इस बात के साथ कि बच्चों को जितनी देर हो सके टीवी देखने दो इस अवधारणा के साथ होल्ड विथ नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना. आप भी ऐसे अवधारणा के साथ होल्ड विथ मत करिए, ज्यादा टीवी मोबाइल ये सारी चीजें ना देखिए, और बच्चों को तरक्की के तरक्की अगर चाहते हैं तो उनके साथ समय बिताइए. और करियर एंड कॉम्पिटिशन में इंग्लिश विद मैंग सर के साथ लगे रहिए. आज हमने बहुत सारे वर्ड सीखे हैं और आप इनको रिवाइज करिए, कलम कॉपी लेके एक बार और देखिए, एग्जाम्पल्स बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए. ओके, और अपना अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.